हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। देखिए, यूपी पीजीटी हिस्ट्री का एग्ज़ाम जो 17/8/2021 को हुआ, यानी कि 17 अगस्त बिल्कुल आज ही के डेट को हुआ है, उसका आंसर की हम लोग देखेंगे। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। तो चलिए बिना किसी इधर उधर की बात किए डायरेक्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए, पहला क्वेश्चन था, मौर्यों के केंद्रीकृत राज का स्वरूप अशोक के समय पितृवत हो गया, यह स्पष्ट रूप से उसके किस अभिलेख में उल्लेखित किया गया है। तो बिल्कुल यह जो है प्रथम अभिलेख में उल्लेखित किया गया है, लघु शिलालेख 1, यानी कि 1 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित स्थलों में से किस एक से उत्तरवर्ती हड़प्पा काल, मालवा और जौरवे संस्कृतियां मिलती है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह होगा इनामगढ़, यानी कि इनामगांव, यानी कि बी नंबर। अपनी मृत्यु के पूर्व बलबन ने किसको अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया था? तो कैकुबाद इज द राइट आंसर, यानी कि डी इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने चीन में राजदूत भेजा था? तो बिल्कुल हरिहर प्रथम, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इबन बतूता किस क्षेत्र से भारत आया था? तो इबन बतूता मोरक्को से भारत आया था, और यह पड़ता है मोरक्को कहाँ? उत्तरी अफ्रीका में, यानी सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, राय पिथौरा नामक के नाम से कौन सा राजपूत शासक जाना जाता है? तो बिल्कुल पृथ्वीराज को जाना जाता है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? तो बिल्कुल डे रो जियो ने इसका शुरुआत किया था, यानी कि 7 का ए राइट आंसर हो जाएगा। वैदिक काल में किसे अन्य देवताओं और मनुष्यों के बीच मध्यस्थ देवता माना जाता है? तो ए इज द राइट आंसर, 8 का ए हो जाएगा, अग्नि। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यारोहण के बाद शिवाजी का प्रारंभिक अभियान किसके विरुद्ध था? तो बिल्कुल बीजापुर प्रशासन के खिलाफ, बीजापुर एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगे कोंड चोल पूरम में किसने बृहद परिधेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? तो बिल्कुल राजेंद्र प्रथम ने करवाया था, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 10 का डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। अब मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा नहीं, डायरेक्ट आंसर बताऊंगा आपको। 11 का जो राइट आंसर है दोस्तों वह जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। 12 का जो राइट आंसर है, हर्षवर्धन की बहन राजश्री ने कैद से बचने के लिए किस क्षेत्र में प्रवेश किया था? तो बिल्कुल सी, यानी कि बिंध्यवन में उन्होंने प्रवेश कर लिया था। भारत और पाकिस्तान के मध्य नागरिक प्रशासन हेतु बंटवारा परिषद का अध्यक्ष कौन था? तो देखिए, इसका जो अध्यक्ष था वो था जनरल आकिन लैक, यानी कि डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान से चार सिंह युक्त शीर्ष की प्राप्ति की गई है? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा सांची, यानी बी इज द राइट आंसर, 14 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलजी वंश के निम्नलिखित शासकों में से एक किला केरी ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? तो इसका जो राइट आंसर है देखिए जलाउद्दीन फिरोज इज द राइट आंसर, 20 का हो जाएगा, 15 का बी। क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर है दोस्तों वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, दिल्ली सल्तनत में मसाहत शब्द का प्रयोग भूमि माप के लिए किसके शासनकाल में किया गया था? तो ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी के समय में। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की ओर, 18 का जो है राइट आंसर वो है ऑप्शन नंबर सी। 19 का जो राइट आंसर है दोस्तों वह होगा ऑप्शन नंबर ए, कानून संहिता। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 20 की ओर, और 20 का जो राइट आंसर है लाला लाजपत राय, और लाला लाजपत राय की जो हत्या है वो जलियांवाला बाग के विरोध में प्रोटेस्ट कर रहे थे और उनके ऊपर लाठियां मारी गई थी, तो उन्होंने कहा था कि मेरे सर पे जो एक एक लाठी है वो तुम्हारे लिए जो है कब्र साबित होगी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 21 की ओर, 21 का जो राइट आंसर है दोस्तों वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर ने किया था। बिल्कुल अकबर बहुत ही अच्छा शासन काल रहा उनका अन्य मुगलों के तुलना में। गुप्तों ने किस क्षेत्र से लॉ आइस को प्राप्त किया था? तो इसका राइट आंसर है बिल्कुल उत्तर पश्चिम भारत, यानी कि बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थक थे? लॉर्ड लिटन, बी इज द राइट आंसर। पुष्प कलावती किस राज्य की राजधानी है? तो बिल्कुल कंबोज, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, 1887 में देव समाज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो बिल्कुल लाहौर में की गई थी, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ेंगे, 26 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, और 27 का जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे 28 की ओर, और 28 का जो राइट आंसर है, द्वितीय गोलमेज, यानी कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें जो है ये सही हुआ था।
आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन के किस स्थान पर हुआ था? तो बकिंघम प्लेस यानी कि इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म का दिगंबर संप्रदाय कहाँ से संबंधित है? बिल्कुल साउथ इंडिया यानी कि डी इज द राइट आंसर, दक्षिण भारत से। 1857 में किसने कहा कि हिंदुस्तान पर शासन करने की इच्छा मुझ में नहीं है? तो बिल्कुल बहादुर शाह जफर ने कहा था, इज द राइट आंसर। ऋग्वेद किसका प्रकार है? तो बिल्कुल आभूषण का प्रकार है। निम्नलिखित इसका आंसर मैं डायरेक्ट बोल देता हूँ, 33 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो लॉर्ड हार्डिंग होगा, डी इज द राइट आंसर। अ वीक विद गांधी के लेखक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है लुई फिशर इज द राइट आंसर, बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 का जो राइट आंसर होगा, किस चोल शासक ने श्रीलंका में अपनी स्वर्ण और ताम्र की मुद्राओं का प्रचलन कराया? तो राजा राजा प्रथम ने कराया था। द नवाब ड्रामा जो था किसने लिखा था? तो फ्रूट ने लिखा था, फ्रूट बी इज द राइट आंसर। वह सुल्तान जो आदि राजत्व में विश्वास करता था ना कि प्रभु सत्ता पर, तो बिल्कुल बलबन ये करता था, बी इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 38, और 38 का जो राइट आंसर है दोस्तों वह होगा ऑप्शन नंबर 2, फतवा ए जहांगीर। अगला क्वेश्चन है 39 का राइट आंसर है लेबर पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो मिस्र के देवता होंगे। यहाँ से आप देख सकते हो क्वेश्चन को, आप आंसर देख लो, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 का जो राइट आंसर है दोस्तों वह होगा अरबी, एज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, 42 का जो राइट आंसर है दोस्तों वह होगा ऑप्शन नंबर ए उदिता। 43 का जो राइट आंसर जाएगा, निम्नलिखित पुरास्थलों में कौन सा महाराष्ट्र में नहीं है? तो माहेश्वर महाराष्ट्र में नहीं है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 की ओर बढ़ेंगे, मैंने राजनीति का पाठ सुरेंद्र नाथ बनर्जी के चरणों में पढ़ा, यह कथन किसका था? तो बिल्कुल सुभाष चंद्र बोस, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, अब्दुल रजाक फ्रांस का राजदूत विजयनगर के किस शासनकाल में आया था? तो देवराज द्वितीय के समय में यह आया था। क्वेश्चन नंबर 46 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा विशाख दत्त, देवी चरण नाटक का लेखक यही था। शिवाजी के समय स्वतंत्र मराठा राज्य का निम्नलिखित में से कौन विरोधी था? तो इसका राइट आंसर नहीं मिल पाया है, हम लोग इसे अधर में रखेंगे। निम्नलिखित यानी कि 48 का जो राइट आंसर होगा, निम्नलिखित इतिवृत्तों में किस एक में अकबर के शासन के 40वें वर्ष में तक का इतिहास है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, तब कत आ अकबरी। आगे बढ़ेंगे, ऋग्वेद में सूर्य देवता को किसका पुत्र माना गया है? तो उर्वशी का पुत्र माना गया है, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, अकबर ने किस गुरु को 50 बीघा जमीन दान स्वरूप में दिया था? रामदास को। किस लिए दिया था? मंदिर बनाने के लिए, स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए। अकबर के शासनकाल में इबादत खाना नामक एक प्रसिद्ध संरचना का निर्माण कहाँ हुआ था? तो फतेहपुर सीकरी में, बी इज द राइट आंसर। 52 की ओर बढ़ेंगे, इलाही किस प्रकार का मुद्रा को किसने चलाया था? तो बिल्कुल अकबर ने चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस शिलालेख में अशोक ने अपने को पियदसी लाजा मगधे कहता था? तो बिल्कुल ए लुम्बनी स्तंभ में ये कहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, किसने पुस्तक अ गिफ्ट टू मोनोथीसिस्ट लिखा था पर्सियन में? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों राजा राम मोहन राय, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा मध्यपुरा पाषाण यानी कि बी इज द राइट आंसर। लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? वीरवीज कादिर यानी कि ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, विजयनगर वाला जो क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मंडलम, स्थल नाडु और ग्राम। 58 का जो राइट आंसर है दोस्तों वह होगा गविष्ठी, सी इज द राइट आंसर। 59 का जो राइट आंसर है दोस्तों वह होगा रजत यानी कि सिल्वर, डी इज द राइट आंसर, डी राइट आंसर है। बढ़ेंगे 60 नंबर की ओर, 60 का जो राइट आंसर है दोस्तों वह है रॉल्फ फिच यानी कि ए इज द राइट आंसर। 61 का जो राइट आंसर है दोस्तों वह होगा आभूषणों को बनाने के लिए प्रयोग किया जाता था, सी इज द राइट आंसर, मेकर ऑफ ज्वेलरी। और यहाँ पे देखिए 62 का जो राइट आंसर है, नियंत्रण और संतुलन नीति किसने शुरू किया था? तो अकबर ने, सी इज द राइट आंसर। सर्वप्रथम दिल्ली के किस सुल्तान ने खलीफा को नासिर अमीर उल मोमिन की उपाधि से नवाजा था? तो बिल्कुल इल्तुतमिश, सी इज द राइट आंसर। श्रीमद् भगवत गीता महाभारत के किस पर्व का अंश है? तो अनुशासन पर्व का अंश है यानी सी इज द राइट आंसर। 65 का राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन नंबर ए। 66 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया फॉर इंडियन यानी कि भारत भारतीयों के लिए दयानंद सरस्वती ने कहा था, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
और 68 का जो राइट आंसर है जेम्स मिल होगा, यानी सी इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1885 वाला जो क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर है डब्ल्यू सी बनर्जी, यानी कि विमेश चंद्र बनर्जी, सी इज द राइट आंसर। 70 की ओर बढ़ेंगे। द्वितीय गोलमेज वाला जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल राज में इजरा क्या था, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 72 का 1848 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा अतहर अली, बी इज द राइट आंसर। 74 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1906 ईस्वी में पान आर्यन का जो है एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। 75 का राजा राम मोहन राय राइट होगा। और 76 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ेंगे आगे। 77 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 78 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन नंबर ए। 79 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन सी, महावीर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 80 का जो राइट आंसर है अध्याय चार में हरिश्चंद्र के चित्र के बारे में बताया गया, जंगलों के बारे में, सी इज द राइट आंसर 80 का। 81 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जिन्होंने विधवा विवाह के समर्थन में सत्यार्थ प्रकाश नामक की पत्रिका निकाली थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस दिल्ली सल्तनत के सुल्तान के काल में हुई थी, तो बिल्कुल मोहम्मद बिन तुगलक, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विजयनगर साम्राज्य और बहमनी राज्य के बीच में कौन सा क्षेत्र विवाद का विषय था, तो बी इज द राइट आंसर, रायचूर दे दो आब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 84 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ेंगे 85 की ओर। 85 का जो राइट आंसर है दोस्तों वह होगा ऑप्शन नंबर डी। 86 का जो राइट आंसर है दोस्तों वह होगा ऑप्शन नंबर डी। और 87 का जो राइट आंसर है वह होगा अग्नि, याद रखिएगा अग्नि, अग्नि को कोई भेंट नहीं दी जाती है। आत्मीय सभा का स्थापना 1814 में किया गया था, ऑप्शन बी सही होगा। और 89 का जो राइट आंसर है वह है औरंगजेब, यानी कि डी सही हो जाएगा इसका। बढ़ेंगे धम्म चक्र परिवर्तन किस धर्म से, बिल्कुल बौद्ध धर्म से संबंधित है, इसका सही होगा। पार्श्वनाथ क्षत्रिय थे, किस काल के थे ये, तो आदि पुराण, यानी ए इज द राइट आंसर। और 92 का राइट आंसर होगा कर्नल सिलेमन, यानी कि सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 93 का जो राइट आंसर है दोस्तों वह होगा ऑप्शन नंबर सी। और मंगल पांडे 34 नेटिव इम्पैक्ट रेजिमेंट के पार्ट थे, सी इज द राइट आंसर। 95 की ओर बढ़ेंगे। 95 का राइट आंसर है ए। 96 का राइट आंसर है बी, एस बंगाली, इसका सही होगा, एसएस बंगाली। बढ़ेंगे 97 की ओर और इसका राइट आंसर होगा इल्तुतमिश। 98 का जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर डी, आदि शंकराचार्य। 99 का जो राइट आंसर है दोस्तों वह होगा खल। और 100 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा नवाब अब्दुल लतीफ, ए इज द राइट आंसर। 101 का राइट आंसर होगा बी नंबर। 102 का राइट आंसर होगा फिर से बी नंबर। और बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन का जो 103 का राइट आंसर है वह होगा संविधान निर्माण निकाय स्थापित करना, डी इज द राइट आंसर। 104 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा फलक, यानी कि बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 105, और 105 का राइट आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन 106 का राइट आंसर है डी, दक्षिणी भाग। और 107 की ओर बढ़ेंगे। एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ, वेट अ मिनट, एक मिनट। 107 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा जनरल कैंप बेल। 108 की ओर बढ़ेंगे। 108 का जो राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक, इसका राइट आंसर होगा, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 109 का राइट आंसर है ए, और चंद्रगुप्त प्रथम। और 110 का राइट आंसर है सी। और 111 की ओर बढ़ेंगे। 111 का राइट आंसर है बी। 112 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ेंगे 113 की ओर। 113 का जो राइट आंसर है दोस्तों वह होगा ऑप्शन नंबर बी, नारायण गुरु। 114 का राइट आंसर होगा 1880 ईस्वी, यानी कि सी इज द राइट आंसर। 115 का प्राकृत, यानी कि ए इज द राइट आंसर। 116 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन नंबर बी, चेम्सफोर्ड। 117 का जो राइट आंसर है दोस्तों वह हो जाएगा आपका विद्युत वाहिनी, यानी कि डी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, 118, 118 का राइट आंसर है डी नंबर। और 119 की ओर बढ़ेंगे, 119 का जो राइट आंसर है, महाराणा रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की थी किसने? विक्टर जैक्वा मोंट ने, यानी बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 120, और 120 का राइट आंसर होगा डी सराय नाहर राय ने। और 121 का जो राइट आंसर है, दिल्ली सल्तनत में मुशर्रफ मुमालिक किसे कहा जाता था? तो राजकीय सूचना एजेंसी का प्रमुख को कहा जाता था। 122 का जो राइट आंसर है दोस्तों, वह होगा ऑप्शन नंबर बी। और इसी तरह से आगे बढ़ेंगे, 123, और 123 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। 124 का राइट आंसर है बी सिलभद्र। 125 यानी कि आखिरी इसका राइट आंसर होगा ए। तो चलिए इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।